वुमन एम्पावरमेंट ओल्ड सिटी के, तो उस पर आपने असेंबली में कभी बात की, और अगर की है तो क्या बात की? मजलिस से मेरा सवाल है, यानी कुछ दिन पहले अमेरिका से एक वुमन एम्पावरमेंट कंपनी, एक कॉरपोरेट आता है और मौलाली में अपना यूनिट डालता है, अमेरिका से आकर मौलाली में। तो भाई, तो आप तो अमेरिका हुआ है ना, तो आपने अमेरिका जाकर क्या किया ओल्ड सिटी के लिए? आपने क्या किया? आपने ओल्ड सिटी के लिए कौन सी वहाँ से वो कंपनियों से बात की, कौन से कॉरपोरेट से बात की, अमेरिका के कौन से स्टार्टअप से आपने बात की? अभी लास्ट मंथ आप अमेरिका से आकर मौलाली में वुमन एम्पावरमेंट यानी औरत नारी के लिए उन्होंने एक यूनिट डाला है, तो ओल्ड सिटी की महिला को आप कब तक जो है आप वोट बैंक समझोगे? कब तक आप ओल्ड सिटी की महिला को, औरतों को होम के वास्ते दोगे? अरे भाई, आप जब उनसे वोट ले रहे हो तो फिर आप उनके लिए कर क्या रहे हो? असेंबली में आपने क्या बात की है महिला के लिए, ओल्ड सिटी की महिला को लेकर के? आप ओल्ड सिटी के स्कूल के बच्चों के लिए 8वीं जमात, 9वीं जमात, 8th क्लास, 9th क्लास और 7th क्लास के बच्चों के लिए आप गवर्नमेंट से बात करिए, बच्चों को असेंबली अंदर से, असेंबली और काउंसिल स्कूल के बच्चों को दिखाइए, वी वांट लीडर्स, लीडरशिप इन ओल्ड सिटी, बच्चों को हम लीडर बनाना चाहते हैं, ओल्ड सिटी के बच्चों को, बिल्कुल एक आम बच्चों को, गरीब के बच्चों को। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर हम पूछेंगे सरकार से कि बच्चों को स्कूल से ले जाइएगा असेंबली होने के बाद, असेंबली होने के बाद, काउंसिल होने के बाद अंदर से असेंबली बताइएगा, काउंसिल बताइएगा बड़े क्लास के बच्चों को, तो बच्चों में एक जज्बा आएगा, एक दिलचस्पी होगी, एक इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आज के बच्चे कल के बड़े, देश का भविष्य ओल्ड सिटी को बदलेंगे।